Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फातिमा आपको अपने शाही किचन में करती हूँ वेलकम। तो आज हमारे किचन में बन रहा है बड़ा ही मज़ेदार और एनर्जेटिक स्टफ्ड पराठा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ें चाहिए वो है आटा। तो इसमें 2 कप ही मैं आटे के लूँगी। 2 कप आटा हो गया, 2 कप हम मैदा लेंगे, 2 कप मैदा हो गया ये। इसी के साथ ड्राई मिल्क पाउडर जाएगा, इसमें 1, 2 और 3 टेबलस्पून हम मिल्क पाउडर यूज करेंगे। ड्राई पिंच ऑफ इसमें सॉल्ट डालेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे बस टेस्ट के लिए, और बस इसको आटे की तरह गूंद लेंगे, फिर आपको देखेंगे। तो देखिए आटा हमारा जो है वो गूंद चुका। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो ऑयल के डालेंगे। इसको भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, जब तक हम आटे को रेस्ट देंगे तब तक हम इसकी स्टफिंग रेडी करेंगे। इसकी स्टफिंग में हम अंडा, चिकन और चीज़ यूज़ करेंगे, और ये बड़ा ही एनर्जेटिक और हेल्दी पराठा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ पराठे की स्टफिंग के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, इसमें सबसे पहले मेरे पास ये चिकन है, ये बॉइल्ड चिकन है। मैंने इसको सबसे पहले मैंने चिकन की ब्रेस्ट ली, उसमें मैंने 1 चम्मच जो है भर के विनेगर, उसी के साथ मैंने थोड़ी ब्लैक पेपर, थोड़ी रेड चिली पाउडर, नमक हसबे ज़रूरत और थोड़ा बेसिक गरम मसाला डाल के इसको अच्छे से बॉयल कर लिया कि इतनी सॉफ्ट हो चुकी है, और इसका इसको जो है वो रेशे रेशे कर लिया। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। ये है मेरे पास ऑयल, हसबे ज़रूरत यूज़ करेंगे, अंडा यूज़ करेंगे इसमें, थोड़े से चीज़ के स्लाइस यूज़ करेंगे, और थोड़ी वेजिटेबल है मेरे पास। इस वेजिटेबल में मेरे पास ये है कैबेज, बिल्कुल मैंने इसको बारीक जो है वो काट लिया। इसी तरह मेरे पास थोड़ी कैप्सिकम है, ये भी बारीक कटी हुई है, रेगुलर अनियन है, टोमेटोज हैं, देखिए टोमेटो भी जो है वो इस तरह से बिल्कुल बारीक मैंने किचन सीजर से इनको काटा है, और ये है मेरे पास धनिया, ये है थोड़े से मसाले मज़ीद जो हमारे अंडे के ऑमलेट में जाएंगे, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, बेसिक गरम मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर, रेड चिली और ज़ीरा। तो यही सब चीज़ें हम यूज़ करेंगे इसमें। तो सबसे पहले इन चीज़ों को साइड करेंगे, चिकन को बड़े बाउल में डालेंगे, चिकन हमारी अभी गरम है तो गरम गरम चिकन में ही जो है हमने कॉर्नफ्लोर को ऐड कर देना है, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। ज्यादा कॉर्नफ्लोर नहीं डालेंगे क्योंकि चिकन हमारी पे इस तरह से जूसी नहीं रहेगी और पराठा अंदर से बिल्कुल ड्राई बनेगा, तो थोड़ा थोड़ा जो है इसको जूसी होना चाहिए। जो ये चिकन रह गई है उसको भी हम अच्छे से श्रेड कर लेंगे। तो जब तक चिकन ठंडी हो रही है तब तक हम जो है तो अंडे लेंगे, इसी बाउल में मैंने अंडे ले लिए। ऑमलेट में हम अपने मसाले डालेंगे, सबसे पहले ज़ीरा, सॉरी बेसिक गरम मसाला, रेड चिली, हल्दी, धनिया पाउडर, सॉल्ट और ब्लैक पेपर जाएगा। इसका हम ऑमलेट बनाएंगे, अच्छे से इसको बीटर से मिक्स करेंगे, थोड़ा सा मैं इसमें धनिया यूज़ करूँगी। बस
बस ये हमारा हो गया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की बरकत के साथ देखिए हमने अपना ऑमलेट जो है रेडी कर लिया है। बिल्कुल बारीक सा मैंने इसको ऑमलेट को जो है वो फैला के और रोटी के साइज जितना बना लिए इसको एक साइड पर रखेंगे। अब ये जो हमारा चिकन वाला बैटर है इसके अंदर अपनी सारी वेजिटेबल डालेंगे टोमेटो के समेत और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बड़ा ही मजेदार पराठा बनेगा। अच्छे से इसको मिक्स करके एक साइड रखेंगे। चिकन भी इसमें थोड़ी सी है। यहाँ हम अपने नमक मिर्ची हर चीज़ को टेस्ट के मुताबिक जो है वो देख सकते हैं। अब यहाँ इसको मिक्स करने के दौरान हम इसमें जो है वो केचप डालेंगे। 1 टेबल स्पून जो है वो मैं केचप का यूज़ करूँगी। और हमारी जो फिलिंग है वो रेडी हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ हम अपने पराठे बनाने शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ अब हम सबसे पहले रोटी बेलेंगे पराठे के लिए। रोटी जो है वो कोशिश कीजिएगा कि बराबर की दोनों जो चपातियां हैं वो बराबर की हो। सॉरी ये थोड़ी वेजिटेबल आई थिंक इसके अंदर मिक्स हो रही है। ये पराठा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं बेलेंगे। जो बच्चे वेजिटेबल नहीं खाते भागते हैं या जिन हमारी बहनों को नाश्ते में बच्चों को खिलाने में प्रॉब्लम होती है तो ट्राई करके देखें। इंशाल्लाह ताला उनको भी पसंद आएगा और आपको भी अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। रोटी बेलने के बाद इसके ऊपर मैंने अच्छे से ऑयल लगाया है। ऑयल लगा के इसको थोड़ा सा सूखा आटा इसके ऊपर लगाएंगे। हम अपने पराठे को यू शेप देंगे। यू बेल के सारे पराठे अपने रखते जाएंगे। इसी तरह इसकी दूसरी चपाती लेंगे। ये लच्छेदार पराठा बनेगा हमारा बड़े ही मजे का। इसको उठाएंगे। इसी तरह हम अपने सारे पराठों को जो है वो बेलते जाएंगे। अब हम अपने पराठे को एक दफा फिर जो है वो अच्छे से बेलेंगे। को बेलने के बाद फिर हम इसकी फिलिंग करेंगे। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ हमारे दोनों पराठे अच्छे से जो है वो मैंने बेल लिए। अब हम इस पे सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमने अंडा बनाया था वो लगाएंगे। बिल्कुल राउंड चक्कर में लगा लें। इसी तरह से मैंने इसको फैला के लगा लिया। ऐसे लगा लें ये आप पे डिपेंड करता है, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, अब इसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे चीज़ का एक स्लाइस और इसमें मैं मोज़रेला चीज़ यूज़ नहीं करूँगी। इसी तरह से चीज़ भी हम अच्छे से फैला के रखेंगे। थोड़ी और लगाऊंगी मैं चीज़ इसमें क्योंकि चीज़ बच्चों की बहुत फेवरेट होती है। अब
फिलिंग डालेंगे चिकन की, अच्छे से इसके ऊपर फिलिंग फैलाइए। ये देखिए मसाला से हमारी फिलिंग। अब हम इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ देखिए, अब पराठा माशाल्लाह से कहीं से ही टूटा नहीं, कुछ नहीं। अब हम इसको थोड़ा सा बेलेंगे, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं, बस बड़े प्यार से आराम से हल्के हाथ से। इसी तरह से इसको घुमाते जाएंगे और बेलते जाएंगे। बेलने का मकसद ये कि हर तरफ से चीज जो है वो इक्वली इसके अंदर चली जाए। अब हम इसको तवे पर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ मैंने इसको तवे पर डाल दिए। हम इसको हल्की आग पे सेकेंगे, ताकि हल्की आग पे इसलिए इसको सेकेंगे चीज मेल्ट हो जाए, तो दूसरी वेजिटेबल हमने डाली है उनको भी एक तरह से स्टीम आ जाए। तो आम पराठे को जैसे हम आग पे फौरन से सेकते हैं, इसको जरा थोड़ी देर लो मीडियम फ्लेम पे जो सेकेंगे, पराठा हमारा हो गया। ये देखिए दूसरी तरफ से भी हो रहा है। अभी मैंने इस पे ऑयल ही लगाया, थोड़ा सा इसको और सेक लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ ऑयल डालेंगे हल्का सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ देखिए हमारा मज़ेदार चिकन चीज़ और अंडे की स्टफिंग का पराठा जो है वो रेडी हो चुका है। इस टाइम बहुत ही ज़्यादा गर्म है, ये देखिए। देखिए कितना मज़े का इसका लुक है। तो खाइए, एंजॉय कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे आपके साथ एक मज़ेदार अगली रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।